इस वक्त अभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे बदरपुर से होते हुए इस यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया था। इससे पहले हरियाणा में थी, उससे पहले राजस्थान में थी। तकरीबन 9 राज्य कवर कर चुकी है यात्रा। अभी राहुल गांधी और पूरा परिवार वैनिटी वैन में है, विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद ये यात्रा आगे के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद आगे के लिए बढ़ेगी। और ये तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं जयराम आश्रम की, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी का वहाँ पर स्वागत किया गया। देखिए अभी जयराम आश्रम में लोग आराम कर रहे हैं और ये रूट है जिसके जरिए यहाँ से सीधा निजामुद्दीन होते हुए इंडिया गेट तक ये यात्रा जानी है। आप पूरे सड़कों पर देख लीजिए, यहाँ से लेकर लाल किला तक आपको इसी तरीके के सड़कों के दोनों तरफ भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें मिल जाएंगी, राहुल गांधी के झंडे मिल जाएंगे और उनके बहुत सारे समर्थक मिल जाएंगे। ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैरोली विधानसभा से। मैरोली से इस यात्रा में क्यों आप लोग शामिल हो रहे हैं? भारत नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश है, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया भारतवासियों को, इसलिए हम भी जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। कहा जा रहा है कि ये इमोशनल यात्रा है, लेकिन ये इमोशन इलेक्शन में वोट कन्वर्ट नहीं हो पाता है। वोट से मतलब नहीं है जी, मेन जो है वो भारत जोड़ने पर सबसे बड़ा जरूरी है। इस समय जो है स्थिति जो है बहुत सांप्रदायिक हो रखी है, इसको जरूरी एक जोड़ना जो है। आप लोग सर कहाँ से? जी मैं दिल्ली से। दिल्ली से जी। इस यात्रा से क्या लग रहा है कि संगठन मजबूत होगा, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी लोग कहते हैं यहाँ, और जब लोग भीड़ देख रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि ये कांग्रेस की भीड़ नहीं हो सकती है, ये और आसपास के राज्यों से भीड़ बुलाई गई है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस इतनी कमजोर है और इस यात्रा से बड़े भाई आपको बुलाई हुई भीड़ लग रही है? पूरे देश की दो बजे रात से लोग खड़े हैं राहुल जी की एक झलक पाने के लिए, और राहुल जी के विचारों से सहमत हैं। ये जो इतनी अपार भीड़ आप देख रहे हो, सब राहुल जी को प्यार करती है, राहुल जी विश्वास करती है। राहुल जी की छवि खराब करने के लिए खरबों रुपया लगा दिया सरकार ने, वो आप देखो राहुल जी से मिल के लोगों को इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग राहुल जी के लिए पलके बिछाए बैठे हैं दो बजे तीन बजे रात से, ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग लेकिन हिल नहीं रहे लोग जब तक राहुल जी से मिल नहीं रहे। सर ये ठंड वाले में राहुल जी के बारे में सब कहता है कि टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती है क्या? ये जनता से मिली हुई ऊर्जा अपने आप में ताकत देती है, उनकी क्षमता ये दिखाती है, उनकी प्रतिबद्धता ये दिखाती है कि ताकत जनता से मिली हुई वो सकारात्मक तरीके से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतीक है इस बात का। टी शर्ट से बीजेपी डर गई है। अच्छा। बीजेपी पूरी तरह से डर गई है। टी शर्ट है, इतने स्मार्ट लगते हैं राहुल गांधी, देखिए क्या क्या ये आरोप लगाते हैं टी शर्ट पे, ये क्या है ये इनका जो नफरत फैलाई है इन्होंने 8 साल से देश में, उस नफरत को दूर कर रहे हैं राहुल जी, और पूरी नफरत दूर होगी। देश को भारत जोड़ने का ये काम है, ये जनता जो है पूरी तरह से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल जी। आप भी नफरत का शिकार हुए हैं? देखिए भारत जोड़ो यात्रा का मोटो ही है कि नफरत हटाओ भारत जोड़ो, क्योंकि देखते हैं आज देश का जो माहौल है आप हर जगह नफरत का माहौल है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी के अगर आइडियोलॉजी सरकार करिए, डबल डिजिट में विकास दर है, रोजगार है, महंगाई नहीं है, महंगाई सिर्फ कांग्रेस के लिए है। देखिए महंगाई आपको तब जाके पता चलेगा जब आप एक गरीब तबके यहाँ जाइएगा, वहाँ पे एक सिलेंडर के लिए आप देखते हैं इंडिया में BPL लेवल कितने गरीब है। ऋषिकेश बातचीत आपसे जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।